कानपुर कमिश्नरेट पुलिस की डीएसपी वेस्ट टीम ने लगभग 7 करोड़ रुपए पकड़ा है। स्वरूप नगर और काकादेव थाना अंतर्गत बैंक सिक्योरिटी वैन से यह पूरा रुपया पकड़ा गया है। आपको बता दें, वैन में मौजूद कर्मचारी इन रुपयों का हिसाब नहीं दे पाए। फिलहाल पुलिस ने रुपया जब्त कर लिया है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम भी जांच में जुट गई है। देखिए, आज कानपुर नगर कमिश्नरेट के पश्चिम जोन में दो या तीन थाने के अंतर्गत कुछ पैसे पकड़े गए हैं। जैसे काकादेव थाना क्षेत्र के अंतर्गत 5,74,77,000 रुपये लगभग पकड़े गए हैं, और थाना स्वरूप नगर अंतर्गत 1,54,50,000 पकड़ा गया, और थाना सीसामऊ में 6 लाख। तो ये कुल मिलाकर करीब 7,38,00,000 रुपये बन रहा है। तो पूरे पश्चिम में आज 7,38,00,000 रुपये बरामद हुए हैं, और हर जगह पे थाना काकादेव क्षेत्र में, थाना स्वरूप नगर के खेत में एफएससी टीम और संबंधित आईटी टीम भी, हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी हमने सूचना दिया है, उनके टीम आ चुके हैं, उनके वरिष्ठ अधिकारी भी आया हुआ है और जाँच प्रचलित है। सर, जो लोग कैश के साथ थे उनसे पूछताछ में क्या पता चला, किस लिए पैसा इतना कैश लेके थे? पूछताछ हुई है कैश के साथ जो भी थे, उनका ये कहना है कि ये एटीएम, मतलब कुल अलग अलग एटीएम पे ये कैश, मतलब एटीएम में दाखिल करते हैं, लेकिन जब पूछताछ किया गया तो दोनों के पास कोई ऐसा प्रपत्र नहीं था जो प्रूव कर सकती थी कि ये वैसी के लिए है। तो अभी बाद में जो आईटी डिपार्टमेंट आया है, उनके अपने जो कंपनी के वाले जो मैनेजर वगैरह वो भी आया हुआ है, वो कुछ पत्र दिखा रहे हैं, जाँच प्रचलित है।